नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। कोरोना के चलते जॉब ऑफर्स कैंसिल होने से प्रभावित छात्रों के लिए आईआईटी चलाएगी विशेष मुहिम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऐसे छात्रों के लिए विशेष भर्ती मुहिम चलाने का ऐलान जारी किया है जिनके जॉब ऑफर्स को कोरोना के बढ़ते असर के कारण बंद के ऐलान के बाद कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैंने आईआईटी निदेशक से जॉब ऑफर्स रद्द होने से प्रभावित छात्रों के लिए विशेष भर्ती मुहिम चलाने को कहा है। भर्ती के दौरान जिन छात्रों को जॉब की पेशकश की थी वो देश के मेधावी छात्र हैं। छात्रों की परेशानी के लिए हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी कंपनियों से इन छात्रों के जॉब ऑफर्स वापस नहीं लेने की भी अपील की है। कोरोना की इस परिस्थिति के बीच केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया। वर्तमान समय में भारत कोरोना की परेशानी से जूझ रहा है, वहीं सरकार आम नागरिकों को हर मुश्किल से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके तहत सरकार ने हाल ही में देश में लागू बंद के मद्देनजर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी करने का ऐलान जारी किया था। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वार्षिक व्यक्तिगत मूल्यांकन समीक्षा को भी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य वैधता को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 तक कर दिया था, जिससे कि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। भारत में 1200 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। भारत ने 1200 ऐसे स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है जहां पर कोरोना प्रभावितों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसे पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया गया है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी होम आइसोलेट कर दिया गया है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में ऐसे 401 कंटेनमेंट जोन है, वहीं आंध्र प्रदेश में 121 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में 180, तमिलनाडु में 220, दिल्ली में 23, तेलंगाना में 125, हैदराबाद में 36 और आंध्र प्रदेश में 121 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की बात करें तो आंकड़ा 6000 के पार पहुंच चुका है। विजय माल्या को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से मिली राहत। भारत के जाने माने कारोबारी विजय माल्या को लंदन में उच्च न्यायालय ने SBI के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है जिसमें विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई थी, ताकि विजय माल्या से तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज लिया जा सके, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश माइक ब्रिक्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिकाओं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही उन्होंने यह भी कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह फिलहाल नहीं है। बिहार ने HCQ की एक खेप भेजी इसराइल। कोरोना की इस परिस्थिति में भारत दूसरे अन्य देशों के लिए मसीहा का काम कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत ने इसराइल को HCQ की सहायता पहुंचाई है, जिसके तहत इसराइल के प्रधानमंत्री ने भारत का धन्यवाद भी किया है, जिसके तहत इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से गुरुवार को ट्वीट कर कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मदद बेहद ही सराहनीय है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में कोरोना के रोकथाम का कोई तोड़ फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ऐसे में सभी देश HCQ के इस्तेमाल से कोरोना की इस परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में फैल रहे कोरोना को लेकर दिया अहम बयान। भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में फैल रहे कोरोना के असर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना की दर बाकी दुनिया के मुकाबले अभी काफी ज्यादा कम है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में 3.8% लोगों को ही कोरोना है, वहीं इस हिसाब से अब तक कोरोना के फैलने का असर पर ध्यान दें तो अभी काफी निचले स्तर पर है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के आंकड़ों के मामले में भारत किसी भी देश की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। इतना ही नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी आम नागरिकों से अपील करते हुए यह भी कहा कि अगर आपको इस परीक्षा को पास करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अभी यही एक विकल्प है जिससे हम इसको अपने आप से दूर रख सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले के मुकाबले में फिलहाल भारत में कोरोना के मामले में बड़ी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिसने सरकार की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना पर विजय पाने के लिए बदली अपनी रणनीति। केंद्र सरकार ने भारत में लगातार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए कोरोना पर विजय पाने के लिए नई रणनीति का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने हॉटस्पॉट या क्लस्टर इलाकों में कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की दोबारा से जांच करने का ऐलान जारी किया है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना के पूरे लक्षण नहीं है, फिर भी उनमें अगर कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण है तो उनका जांच किया जाए, ताकि सरकार अपनी तरफ से यह सुनिश्चित कर सके कि उस व्यक्ति में कोरोना है या नहीं। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच करता था जिनमें कोरोना के पूरे लक्षण दिखाई देते थे, मगर अब कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने यह ऐलान जारी किया है। दुनिया के अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी पहुंचे नीचे, वहीं जेफ बेजोस नंबर 1 पर। फोर्ब्स ने साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची तैयार की है, जिसमें 113 अरब डॉलर संपत्ति के साथ लगातार तीसरे साल अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं। वहीं दूसरी स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का नाम है,
वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो अंबानी अब खिसक कर 21वें स्थान पर पहुंच गया है। उनका नेटवर्थ 36.8 अरब डॉलर बताया गया है। हालांकि साल 2019 में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर थे, उनकी संपत्ति 50 अरब डॉलर थी, मगर अब वह सीधे 21वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं सूची में भारत के 78वें नंबर पर मुंबई के बड़े निवेशक राधा किशन दमानी का नाम भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने महिलाओं के जनधन खाते में 2 और किश्तों में 1,000 डालने का किया ऐलान। कोरोना के इस माहौल में सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वह सभी लाभार्थियों तक पर्याप्त लाभ पहुंचा सके, ताकि बंद के इस माहौल में किसी भी आम नागरिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 1,000 डालने का ऐलान जारी किया था, जिस पर अब वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों के खाते में अगले 2 महीने के दौरान 500-500 की 2 किश्तों में 1,000 डाले जाएंगे, जिसके तहत महिला जनधन खाता धारकों के खातों में पहली किश्त के रूप में 500 रुपए डाल दिए गए हैं। अमेरिका में फंसा भारतीय ओलंपियन की तबीयत हुई खराब। भारतीय हॉकी ओलंपियन और 1975 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे अशोक दीवान वर्तमान समय में अमेरिका में फंसे हुए। वहीं खबरों की माने तो वहां पर उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय हॉकी ओलंपियन की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत खेल मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हॉकी ओलंपियन अशोक दीवान अमेरिका में फंसे हैं और फिलहाल अस्वस्थ हैं, जिसके तहत उन्हें सहायता देने के लिए तत्काल सभी डॉक्टर से उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उनका उपचार किया जा सके, जिसकी जानकारी खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने आधिकारिक ट्विटर से जारी की है। पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर दिया अहम बयान। कोरोना के फैलते असर के बीच सरकार ने 14 अप्रैल तक बंद का ऐलान जारी किया था। वहीं बीसीसीआई ने भी आईपीएल के आयोजन को 14 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया था। हालांकि अब बंद की अवधि खत्म होने में मात्र 4 दिन का समय शेष है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए 15 अप्रैल के बाद भी आईपीएल के 13वें सीजन को शुरू करना असंभव लग रहा है। हम सुन रहे हैं कि देश में बंद की अवधि बढ़ सकती है। स्थिति में अगर आपको लगता है कि आईपीएल 15 अप्रैल के बाद शायद शुरू हो सकता है तो यह संभव नहीं है। आईपीएल से ज्यादा अहम यह है कि लोग सुरक्षित रहें, जिससे कि अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस साल आईपीएल की तारीख या तो आगे बढ़ेगी या फिर पूरी तरीके से कैंसिल कर दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना से लगातार बढ़ते असर को देखते हुए आपके अनुसार सरकार को किन बातों का और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।